अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बर्ड्स को वॉक कैसे करवाते हैं। तो बर्ड्स को वॉक करवाना जो है कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने हर एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो करना है और वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। तो चलें अब हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और बर्ड्स को वॉक करवाते हैं। पहले जो है वो आप अपना बैकग्राउंड ऐड कर लें, तो मैं यहाँ से अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपना बैकग्राउंड ऐड कर लिया। मैंने जो है वो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड लिया है, तो आपने अपना जो बैकग्राउंड लेना है वो आप अपना उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अब जो है वो हम इसमें पहले जो है वो अपनी बर्ड ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ से अपनी बर्ड ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैं अपनी बर्ड को ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर जो है वो उसको पूरा सेट करती हूँ। तो मैं अपनी सारी बर्ड को जो है वो ऐड करके यहाँ पे सेट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने अपनी बर्ड जो है वो पूरी ऐड कर ली है। अब जो मैं है इसको अरेंज कर लेती हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरा बर्ड कंप्लीट हो गया। अब जो मैं है इसके लेग्स जो है वो लगा देती हूँ यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके। आपने अपनी बर्ड्स को वॉक करवाने के लिए जो भी लेग्स उसके लेने हैं वो आपने ऐसे लंबे लेने हैं, जिसकी लेग्स जो हैं वो लंबे हों। ये जो है हमारी बर्ड अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जिसकी लेग्स हैं इसको हम कर देते हैं ब्रिंग टू सेंड टू बैग। ठीक है, दूसरे को भी हम सेंड टू बैग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब बर्ड की जो है वो आइज़ भी मैं ऐड कर लेती हूँ। ये जो है बर्ड पे जो है वो आइज़ लग गई हैं। अब इसकी बीक भी ऐड कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो हमारा बर्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो हमने इसकी लेग्स पे मूवमेंट देनी है। तो लेग्स पे मूवमेंट कैसे देते हैं हम, कि लेग्स में जो है इसकी हम ऐड करेंगे की फ्रेम्स। तो की फ्रेम्स कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये जो 0.06 पे जाके जो है फिर से की फ्रेम ऐड कर देते हैं और इस पाँव को जो है वो सीधा कर देते हैं बिल्कुल। यहाँ पे और नीचे जो है वो दूसरे पाँव पे जो है वो दूसरी की ऐड करते हैं और इसको जो है वो रोटेट कर देते हैं आगे की तरफ कर देते हैं इस पाँव को इस तरह से। फिर जो है हमने इसी तरह जो है वो एक एक सेकंड बाद जो है वो की लगाते चले जानी है। फिर यहाँ पे फिर की फ्रेम एक ऐड करेंगे और उसको फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे हम।
फिर नीचे की एक ऐड करेंगे और इसको फिर सीधा कर देंगे हम। इस तरह तो इस तरह जो है वो हम फिर 0.07 तो होंगे हमारी 6 पे लगाई। अब ये 7 पे जो है वो फिर से हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको हम सीधा कर देते हैं यहाँ पे, और ये नीचे जो है इसको जो है वो हम इस तरह रोटेट कर देंगे। अब एक यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे हम, इसको सीधा कर देंगे, इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे हम, और नीचे वाले पाँव को जो है वो हम सीधा कर देंगे। फिर एक सेकंड बाद इसको सीधा कर देंगे हम, और नीचे वाले पाँव को जो है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। फिर एक सेकंड बाद जो है फिर से जो है वो हम इस वाले पाँव को आगे की तरफ ले जाएंगे ऐसे, और जो नीचे वाला पाँव है इसको जो है वो हम सीधा कर देंगे ऐसे। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा ऐसे ले देती हूँ। ठीक है, जो है फिर जो है जी एक सेकंड बाद जो है वो हम दोबारा से की फ्रेम ऐड कर देते हैं, इसको हम सीधा कर लेते हैं। नीचे वाले को जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसके पाँव के ऊपर पाँव करना है क्योंकि हम जो है वो इसको पाँव को मूवमेंट दे रहे हैं, तो एक पाँव जो है वो हमारा सीधा हो जाता है, एक पाँव जो है वो हमारा आगे की तरफ मूव कर देता है। तो अब ये ऐसे ही जो है वो हम इधर ही की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको जो है वो सीधा कर देंगे। नहीं कर लेते हैं और अब जो है इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखें कि हमारा बर्ड किस तरह से वॉक कर रहा है। ठीक है ना, तो इसकी वॉक साइकिल जो है वो अब बहुत अच्छे से वॉक कर रहा है ये हमारा बर्ड। तो वॉक जो है वो आपने अपने बर्ड्स को अब ऐसे ही करवाना है। यहाँ पे हमारी आईज जो है, देखा आपने कि हमारी जो वो बर्ड है वो कितने अच्छे से वॉक कर रही है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जो है वो हम इसको सेव कर लेते हैं।